फ्रेंड्स अगर आप लोग गर्ल्स है और बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नॉर्मल सेविंग अकाउंट की जगह बड़ौदा महिला शक्ति सेविंग अकाउंट ओपन करिए क्योंकि उसमें आप लोग को नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तुलना में बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी आपको मिल जाती है तो आज की वीडियो में हम आप लोग को बड़ौदा महिला शक्ति सेविंग अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में महिला शक्ति सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग तो आई तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सौ तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी मैं आ चुका हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए सबसे पहले आप लोग को बड़ौदा महिला शक्ति सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज़ के बारे में बता देते हैं तो सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको यही मिल जाती है कि अगर आप लोग लॉकर की फैसिलिटी लेते हो तो उसमें जो सालाना चार्जेस होते हैं यानी कि रेंटल चार्जेस होता है उसका ट्वेंटी आपको छूट मिल जाएगी एनुअल चार्जेस का ट्वेंटी आपको छूट मिल जाएगी इसके साथ ही इसमें आप लोग को मिलता है फर्स्ट ईयर रूपे प्लेटिनियम डेबिट कार्ड फ्री फ्री मिलता है उसके बाद रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के जो भी चार्जेस होते हैं सेकेंड ईयर से लगने स्टार्ट होंगे फर्स्ट ईयर आपका ये बिल्कुल भी फ्री रहेगा साथ ही उस डेबिट कार्ड पर आप लोग को दो लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है इसके साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को एस अलर्ट की फैसिलिटी फर्स्ट ईयर फ्री दी जाती है यानी कि फर्स्ट ईयर एस अलर्ट की फैसिलिटी फ्री रहेगी और सेकेंड ईयर से एस एस अलर्ट के चार्जेस कटने स्टार्ट होंगे और अगर आप लोग यह अकाउंट ओपन करते हो और फ्यूचर में कभी आप लोग टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो जैसे बाइक स्कूटी के लिए अगर आप लोग कोई भी लोन लेना चाहते हो तो उसमें आप लोग को ट्वेंटी फाइव परसेंट तक का छूट यानी कि डिस्काउंट दिया जाएगा इसके साथ ही आप लोग को जो ऑटो लोन कोई भी लेना चाहते हो ऑटो लोन या फिर मॉर्गेज लोन लेते हो तो उसमें आप लोग को ट्वेंटी फाइव परसेंट का तुरंत ही छूट दी जाएगी इसके साथ ही पर्सनल लोन अगर आप लोग लेना चाहते हो तो उसमें आप लोग को हंड्रेड परसेंट तक का जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो आपको छूट दी जाएगी यानी कि अगर आप लोग पर्सनल लोन लेते हो तो उसमें आप लोग को प्रोसेसिंग फीस पूरी तरीके से माफ होगी इसके साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को स्वयं फैसिलिटी भी मिलती है अगर आप लोग डिमांड करते हो तो इसके साथ ही अगर आप लोग फ्यूचर में कभी भी ट्रेवल या फिर गिफ्ट कार्ड लेते हो इस अकाउंट के थ्रू तो आप लोग को उसमें भी इंसूएंस चार्ज जो होता है उसमें ट्वेंटी तक का छूट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर डीमेट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री है इसके साथ ही अगर आप लोग इस बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड

अकाउंट है और ट्रांजेक्शन भी जो आप करोगे वो सेविंग अकाउंट के पर्पज से ही करोगे अगर आप लोग फ्यूचर में कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन इस अकाउंट से करते हो तो आप लोग को नोटिस देकर तुरंत ही आपका अकाउंट क्लोज बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने सेविंग अकाउंट से कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन ना करें तो चलिए अब आप लोग को कैश डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन बता दें क्या इसकी लिमिट और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है तो अगर आप लोग बेस और लोकल नॉन बेस ब्रांच से अगर कोई भी पैसे डिपॉजिट कर करते हो तो वो बिल्कुल भी फ्री है इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन ब्रांच से डिपॉजिट करना चाहते हो तो तीस हजार रुपये तक का पर डे यानी कि पर डे आप लोग तीस हज़ार रुपये तक जमा कर सकते हो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप लोग तीस हज़ार रुपये से ज़्यादा का पर डे यानी कि एक दिन में तीस हज़ार रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए आप लोग को ढाई रुपये प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप लोग अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कैश डिपॉजिट करते हैं जैसे कि सी मशीन के थ्रू अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो तो वो पर डे का दो लाख रुपए तक का फ्री है यानी कि पर डे आप लोग दो लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट कर सकते हो अगर आपने अपने अकाउंट में पैन कार्ड लिंक यानी कि रजिस्टर्ड किया हुआ है तो अगर आपने अपने अकाउंट में पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं किया है तो पर डे आप सिर्फ उनचास उनचास यानी कि पचास हज़ार तक का ही अमाउंट जमा कर सकते हो तो इसीलिए जरूरी है कि आप लोग अपने अकाउंट में पैन कार्ड भी जरूर रजिस्टर करें इसके साथ ही अगर आप लोग कोई कार्डलेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो वो पर डे बीस हजार रुपए तक का आप कार्डलेस ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो तो ये तो हो गई कैश डिपॉजिट की बात अब कर लेते हैं कैश विड्रॉल की बात कैश विड्रॉल आप लोग लोकल या फिर बेस ब्रांच या फिर आउट स्टेशन ब्रांच सभी ब्रांच से आप लोग कैश विड्रॉल कर सकते हो लेकिन आउट स्टेशन ब्रांच से इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैक्सिमम फिफ्टी पर डे का ही आप लोग कैश विड्रॉल कर सकते हो अगर आप लोग आउट स्टेशन ब्रांच से कैश विदड्रॉल कर रहे हो और साथ ही इसमें आप लोग अगर थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो थर्ड पार्टी कैश पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे एक चीज मेंशन दिया हुआ है थर्ड पार्टी कैश पेमेंट न कि अगर आप लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल फ्री है कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग थर्ड पार्टी कैश पेमेंट करना चाहते हो तो वो सिर्फ आप लोग अपने बेस ब्रांच यानी कि होम ब्रांच से ही कर सकते हो आउट स्टेशन ब्रांच और लोकल नॉन ब्रेंस ब्रांच यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है यानी कि यहाँ से आप लोग कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो थर्ड पार्टी को और अगर आप लोग कैश विड्रॉल कर रहे हो कैश विड्रॉल फॉर्म फिलअप करके यानी कि स्लिप को फिलअप करके तो उसके लिए आपको अपना पासबुक ले जाना मैंडेटरी है इसके आती है पच्चीस हज़ार रुपये पर डे आप लोग कैश विड्रॉल जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करके विड्रॉल कर सकते हो होती इस अकाउंट में आप लोग को पासबुक फ्री में मिलता है और अगर आप लोग डुप्लीकेट पासबुक के लिए अगर अप्लाई करते हो तो हंड्रेड रुपी उसके लिए चार्जेस है यानी कि पहली बार आपको फ्री में पासबुक दिया जाएगा अकाउंट ओपन करते समय और दूसरी बार अगर आप लोग पासबुक के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपके अकाउंट से हंड्रेड रुपी ऑटोमेटिकली डिडेक्ट कर लिए जाएंगे साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को पास चेकबुक फ्री में दिया जाता है तीस पन्नों वाला चेकबुक आपको हर साल फ्री में दिया जाएगा उसके ऊपर अगर आप लोग लेते हो तो पर पेज आप लोग को फाइव रुपी चार्जेस देने पड़ेंगे और अकाउंट ओपन कराने के बाद अगर आप लोग किसी दूसरे सिटी या फिर दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफर हो जाता है और आप अपने अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हो उस सिटी या फिर उस स्टेट में तो ट्रांसफ़र कराना बिल्कुल फ्री है ट्रांसफ़र कराते वक्त आपको एक अप्लीकेशन देना होता है अप्लीकेशन के साथ आप लोग अपना पासबुक और चेकबुक लेकर जाएंगे वो वहाँ पर जमा हो जाता है और दूसरे जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट अपना ट्रांसफ़र करोगे वहाँ पे आप लोग को न्यू पासबुक न्यू चेकबुक दिया जाएगा कुछ मामलों में मैंने ये भी देखा है कि पासबुक और चेकबुक भी आपको वही सेम पासबुक और चेकबुक का बोल देते हैं कि वही आप पासबुक वही चेकबुक फिर से यूज करिए तो अब बात कर लेते हैं इसके एवरेज मिनिमम बैलेंस के बारे में यानी कि जो मिनिमम बैलेंस आपको मेन्टेन करना होता है तो अगर आप लोग मेट्रो या फिर अर्बन सिटी में रहते हो तो आप लोग को तीन हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है और अगर आप लोग सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो आप लोग को दो हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अगर आप लोग का अकाउंट रूरल रूरल एरिया में यानी कि गांव में है तो आप लोग को एक हजार मेंटेन करना होता है अगर आप लोग मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते तीन तो सौ रुपए आप लोग का चार्जेस कटेगा पर क्वार्टरली अगर आप लोग मेट्रो या फिर अर्बन सिटी में अकाउंट ओपन करवाए अगर आप लोग रूरल या फिर सेमी अर्बन में अकाउंट ओपन करवा रहे हो और अगर आप लोग अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो डेढ़ सौ रुपए पर क्वार्टरली चार्जेस कटेंगे इस अकाउंट में आप लोग को नॉमनी की भी फैसिलिटी मिल जाती है और हर बार जब भी मैं अकाउंट ओपन के बारे में बताता हूँ तो आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग नॉमनी की फैसिलिटी जरूर लीजिए नॉमनी की फैसिलिटी लेना किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर कोई सरकारी योजना आप लोग ले रहे हो तो इन सभी प्रकार के अकाउंट या फिर कोई भी योजना में अगर आप लोग शामिल हो रहे हो तो नॉमनी की फैसिलिटी आप लोग जरूर लीजिए अब आप लोग को बता देते हैं डेबिट कार्ड और उसके चार्जेस तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि डेबिट कार्ड इसमें आप लोग को रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है जो कि पहले साल फिर फ्री है और दूसरे साल से आप लोग को सालाना डेढ़ सौ रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा और अब बात कर लेते हैं इसके ए टी एम ट्रांजेक्शन की कितनी आप लोग को लिमिट मिलती है तो इसमें आप लोग को अगर आप लोग किसी अदर बैंक के ए टी एम यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अदर बैंक किसी ए टी एम से अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो महीने का आप लोग को तीन ट्रांजेक्शन फ्री दिया जाता है और अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ए टी एम से ट्रांजेक्शन करते हो तो इसमें आप लोग को महीने का पाँच ट्रांजेक्शन फ्री दिया जाता है यानी कि कुल मिलाकर महीने में आप लोग अदर बैंक के ए टी एम और बैंक ऑफ बड़ौदा के ए टी एम से मिला कुल cool ट्रांजेक्शन आपको फ्री दिया आप आप जाता, है, जाता है और सेकंड कार्ड अप्लाई अपने पर रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा दोस्तों तो बड़ौदा महिला शक्ति सेविंग अकाउंट के बारे में लगभग मैंने जितनी भी फैसिलिटी होती है जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं सब कुछ आप लोग को बता दिया और इसके बारे में और भी जानकारी के लिए आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे आकर इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो अब मैं आप लोग को बता देता हूं इसको अप्लाई कैसे करना है यानी कि अकाउंट को ओपन कैसे करना है तो अकाउंट को ओपन करने के लिए अभी इसकी कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन में बस आप लोग इतना कर सकते हो कि इसमें आप लोग को एक छोटा सा फॉर्म दिया जाएगा उस फॉर्म को आप लोग को फिलअप करना है दिन आप लोग को सेंड कर देना है इसके बाद आप लोग को एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा रेफर वही रेफरेंस नंबर करीब चौबीस घंटे या फिर अड़तालीस घंटे के अंदर बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा उस कॉल पर आप लोग को वो अपना रेफरेंस नंबर बताना पड़ेगा इसके बाद बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आप लोग को बोलेगा कि एक निश्चित समय देगा उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जाकर बैंक में एक फॉर्म अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म फिलअप करना है और वो फॉर्म फिलअप करके आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो साथ ही जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ डॉक्यूमेंट में आप लोग अपना पैन कार्ड आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ्स लेकर जाएंगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन में बस इतना ही आप लोग को करना है अपना नेम फिलअप करना है ई मेल आई डी फिलअप करना है मोबाइल नंबर फिलअप करना है देन आप लोग को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है सिटी सेलेक्ट करना है ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है यानी कि कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको आप लोग फिलअप करके टर्म्स को एग्री करोगे और देन सबमिट कर दोगे सो so फ्रेंड्स बड़ौदा महिला शक्ति सेविंग अकाउंट के बारे में मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में बता दिया है फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई आप लोग सजेशन देना चाहते हो तो आप लोग निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना और इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षा चित्र रहिए है जय हिंद वंदे मातरम